लड़कियों, तुम्हारा स्वागत है। इस कमरे में तुम लोग कुछ बहुत अच्छा कर सकती हो। कूल, हम किसी भी समय मकड़ियों द्वारा खाए जा सकते हैं। उफ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। ग्रेस, शांत हो जाओ, यह इतना भी बुरा नहीं है, आंखें खोलो। लड़कियों, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं इस कमरे को फोटो में कैप्चर करने का सुझाव देती हूँ, फिर तुम इसकी तुलना कर सकती हो कि हम क्या करेंगे। लिली, ग्रेस, थोड़ा पीछे हटो, तुम मुझे फोटो लेने से रोक रही हो। अब सब कुछ एकदम सही है। खैर, कमरा तैयार हो रहा है और इसमें मोनिका, लिली और ग्रेस जाएगी। क्यों नहीं, हमें गार्बेज को कलेक्ट करने से शुरुआत करनी होगी। कमरे को पूरी तरह से साफ करना जरूरी है, फिर लड़कियां कुछ बना सकती हैं। तैयार हो गया, हाई फाइव। कुछ घंटों में यह कमरा पहचानने योग्य नहीं होगा। वाह, इस बॉक्स में इतना सारा सामान है। हाँ, इसे मैं खुद ही लेकर आई हूँ। खैर, चलो शुरू करते हैं। ओह, देखो, चलो काम शुरू करें। यह सब अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम लोगों के काम के बाद यह गार्बेज नए रंगों से चमक जाएगा। हाँ हाँ, सही में यह कचरे की तरह ही दिख रहा है, और मैं कमरे को सजाने के लिए कुछ भी करूँगी। लिली, चलो चलते हैं। हाँ, यहाँ तो सब कुछ धूल से भरा है। खैर, ठीक है, अगर हम लोग अभी कोशिश करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा बेड बन जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि यह मास्टरपीस होगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, धीरे धीरे करो। लड़कियों, काम का पहला पार्ट तैयार हो गया। अब सबसे दिलचस्प होगा इन सभी पार्ट्स को हथौड़ा और नेल से जोड़ना। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना मजेदार होगा। ग्रेस, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि स्क्रू ड्राइवर से कैसे काम करते हैं? हाँ, बेशक, यहाँ सब कुछ बहुत आसान है, केवल यहाँ ये बोल्ट पेंच में नहीं जा रहा है और लगता है यह शायद टूट गया है। हाँ, ओह, कोई नहीं, यह हथौड़ा पकड़ो और मुझे स्क्रू ड्राइवर दो, अब मैं करती हूँ। ये बेवकूफ हथौड़ा। ग्रेस, तुम ये रूले व्हील पकड़ो, इससे तुम्हें चोट नहीं लगेगी। मैंने निशान बना दिया है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस तरह से, चलो करो। खैर, हमारी आंखों के सामने कमरा बदल रहा है। हाँ, हम लोगों ने ये कठिन काम चुना है, लेकिन देखो कितना सुंदर लग रहा है। सही में मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम मेरे बिना क्या कर पाती? सुनो, लेकिन इन बेड्स पर गद्दे नहीं है, उनके बिना सोने में आराम नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसे अभी ठीक करना चाहिए। कैसा रहेगा इस पर अगर गद्दा डाल दे तो? चलो करते हैं। लिली, तुम क्या कर रही हो? गद्दे को ऊपर रखने में मेरी मदद करो, कोई भी, मैं इसके लिए बहुत छोटी हूँ। चलो। ओह ओह, हाँ, धन्यवाद लड़कियों। या, हमने कर लिया। वाह, अब इन बिस्तरों पर सोना बहुत आरामदायक होगा। हम लोगों ने कितनी अच्छी बेड बनाई है और कितना नरम है। वाह, तुम सही बोल रही हो, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर नहीं पहुंच पा रही हूँ, ये बहुत ऊंचा है, क्या करूं? अरे नहीं, शायद तुम्हें अब थोड़ा बड़ा होना होगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। वो इस बार क्या लेकर सोच रही है? उफ, ये क्या है? तड़ाम, प्लाईवुड के इस टुकड़े के साथ मैं अपने बेड के लिए एक सीढ़ी बनाऊंगी, लेकिन साधारण सीढ़ी तो थोड़ी बोरिंग होगी, लेकिन माउंटेनियर्स जिस तरह क्लाइम करते हैं, उस तरह की सीढ़ी बिल्कुल ही अलग होगा। इसके लिए बस प्लाईवुड में रंगीन पत्थरों को जकड़ना होगा। मेरी राय में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और केवल सीढ़ी पर चढ़ना बाकी है। हाँ, क्या बस इतना ही? ये तो केवल तुम्हें चाहिए। चलो।
तो क्या हुआ, मैं उसके बिना यहाँ नहीं पहुँच सकती। और वैसे भी पेचकस के बिना तुम सीढ़ी फिक्स नहीं कर सकती। लेकिन मैं वास्तव में नहीं चाहती थी, इसलिए यदि हम सब अपने लिए बेड्स अरेंज करते हैं तो मैं कुछ बहुत ही यूजफुल काम करूँगी। यहाँ की दूरी एकदम सही है, यहाँ मैं क्रॉस बार लटकाऊंगी जिस पर मैं अपने सभी कपड़े टांग सकूँ। मेरा विश्वास करो, मेरे पास बहुत है। बस मैं अपने कपड़े टांग देती हूँ इस तरह से। हाँ ये सही है, वाह ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मैं भी शायद अपने हिस्से को अरेंज करूंगी। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि पढ़ाई के बिना जीवन कैसा होता है, और मेरी पढ़ाई के लिए बेशक मुझे किताबें चाहिए, मेरे पास उनमें से बहुत है। इसके अलावा बुक शेल्फ को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक शानदार आइडिया है, जरा इसको देखो, ये है ना अच्छा आइडिया, कितना बढ़िया कूल। हाँ ये कूल है, और सब किताबों की वजह से। लेकिन कपड़े सब कुछ नहीं है, हमें तत्काल इस जगह को पेंट करने की जरूरत है। इसे उज्जवल और सुंदर बनाना होगा। एक स्मूथ पैटर्न बनाने के लिए मुझे बस दीवारों पर टेप चिपकाना होगा और फिर इसे पेंट से ढकना होगा। हाँ बिल्कुल इस तरह से। और अब पेंट। हाँ यह ठीक है, बढ़िया। और एक और तरीका है, उदाहरण के लिए हाथ से कुछ सुंदर ड्रॉ करना। मुख्य बात इसे खुशी के साथ करना है, फिर ड्राइंग बहुत सुंदर हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, हम अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ा हरा रंग, ये कितना सुंदर। ओह और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, मुझे समर पसंद है, इसलिए मैं अपनी दीवारों पर गर्मियों की हरी घास रखना चाहती हूँ। इस तरह से यह बहुत सुंदर लगेगा, वाह कितना अच्छा लग रहा है, जिस पर मैं एक फुटबॉल फील्ड बनाऊंगी। यह अच्छा है कि मैंने फुटबॉल अपनी पूरी जिंदगी खेली है, मेरा सबसे पसंदीदा खेल। वाह मैंने इतनी कोशिश की कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं पूरी तरह से गंदी हो गई हूँ। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस पेंट को कैसे धोना है। बस देखो कि मैं किस कॉस्मिक स्काई को ड्रॉ करने में कामयाब रही, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी कुछ है। दीवारों पर कुछ सितारे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं बिस्तर से उठे बिना कॉन्स्टेलेशंस की पढ़ाई कर सकूंगी। मैं इसे बेहतर नहीं कर सकती थी, यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आह, कितना अच्छा। ये जरा देखो कि मुझे कितना रंगीन और सुंदर कमरा मिला है, कितना सुंदर, इतना गुलाबी, और यहाँ इसके डिफरेंट शेड्स है। वाह लेकिन मैं सीढ़ी से बहुत नाराज हूँ जिसे लिली ने रखा है, यह बहुत डल है और बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, हमें इसे रंगीन बनाने की जरूरत है। हाँ मेरे पास एक आइडिया है, इस तरह से। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। वाह मेरे पास एक असली फुटबॉल फील्ड है। ग्रेस तुम वहाँ क्या कर रही हो, ग्रेस? ओह अरे नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे गुलाबी रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जरूरी कि हर कोई जाने कि इस बेड पर कौन सोता है, इसके लिए मुझे अपनी फोटो टांगनी होगी। लेकिन सिर्फ फोटो लटकाना थोड़ा बोरिंग है, मैंने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा है, इसके लिए अभी मैं फोटो में ही एस्ट्रोनॉट दिख सकती हूँ। हाँ यह अच्छा रहेगा, मैं ऐसे कर देती हूँ। ये देखो मेरे रॉकेट को, मुझे कितना अच्छा रॉकेट मिला है। लेकिन मेरे अलावा मेरे जीवन में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लगता है मोनिका का कोई बॉयफ्रेंड है, और यह जाहिर है अल्बर्ट आइंस्टीन। उनकी वजह से ही मुझे विज्ञान में इतनी रुचि है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके कामों में परिचित हो गई। कितनी बोरिंग है, मैं सहमत हूँ, दीवारों पर कुछ कूल लटकाने की जरूरत है, इसके लिए मुझे कुछ नेल्स को लगाना होगा।
हाँ, मैं हथौड़ों से डरती हूँ, इसलिए मैं इसे एक साधारण जूते के साथ करूँगी। इस तरह से। एक और। वाह, मुझे फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल मेरा सब कुछ है। और फुटबॉल नेट की तुलना में मेडल्स स्टोर करने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं है। उसके साथ मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने अपने सभी गोल कैसे किए हैं। बेशक कमरे को अलग अलग गेंदों से सजाया जा सकता है, मैं चाहती हूँ कि सभी को पता चले कि स्पोर्ट्स ही मेरा सब कुछ है। मैं थोड़ा बॉल यहाँ लटका देती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। यहाँ पर और एक यहाँ पर भी। जरा देखो यह इस मास्टरपीस को, कितना कूल दिख रहा है। और जब तक कोई नहीं देख रहा है, मैं अपनी आइडियल का एक फोटो भी लटका दूंगी। वाह, मेसी। वाह, तुम मुझे बहुत पसंद हो। सब कुछ लगभग तैयार है। केवल एक सुंदर दिल बनाने के लिए सभी नेल्स के बीच एक लाल रस्सी लगाने की जरूरत है। हाँ, कितना बढ़िया। ये, मैं इस पर अलग चीजें लटका सकती हूँ। उनके साथ इस जगह का मेरा हिस्सा और भी उज्जवल और दिलचस्प हो जाएगा। और किसी भी चीज से ज्यादा मुझे के-पॉप पसंद है, इसलिए मेरा हीरो मेरी दीवार पर लटका रहेगा। वाह, मैं जब सोऊंगी उसे देखूंगी। बिल्कुल सही। इस कमरे में थोड़ा कंफर्ट की कमी है, और कुछ भी इसे कंबल और तकिए से बेहतर कूल नहीं बना सकता है। वे जितने अच्छे हैं उतने कूलर। बेशक एक गुलाबी फ्लफी कंबल और कई अलग अलग तकिए मुझे सूट करेंगे, जिसे मैं बिस्तर के ऊपर रखूंगी, तो इस पर लेटना बहुत नरम होगा। यह बहुत अच्छा होगा। इस तरह से। मैं इन सबको यहाँ रख देती हूँ, या इधर और या इधर। हाँ, इस तरह से। हाँ, मैं अब तैयार हूँ। कितना प्यारा। और अब मेरे पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, जिसे मैं गले लगा सकती हूँ। ये बहुत प्यारा है। मुझे भी अपनी जगह के लिए कुछ करने की जरूरत है। हाँ, चूंकि मेरे पास दीवार पर एक फील्ड है, तो मेरे पास एक कंबल है जो घास की तरह दिखता है। इसके अलावा हरा रंग तुरंत मेरे बेड को जीवन से भर देता है। यह अच्छा रहेगा। और मैं एक तकिया के रूप में एक सॉफ्ट टॉय का उपयोग करूंगी। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। मैं उस पर सो सकती हूँ और इसे लात भी मार सकती हूँ। इस तरह से। देखो। ओ, मुझे माफ करना मेसी, प्लीज। ओ, मुझे आशा है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। चलो, बेशक आप करेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। लड़कियों, तुमने सच्ची में कमरे को बहुत अच्छा सजाया है। मुझे भी बिस्तर पर कंबल और तकिए लगाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मुझे पीला रंग पसंद है, क्योंकि गर्मियों में सूरज भी पीला होता है। लेकिन यहाँ कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। यह क्या है? ओह हाँ, धन्यवाद अल्बर्ट। मेरे कंबल को अलग अलग फॉर्मूलों से क्यों नहीं पेंट करें? फिर सपने में भी मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। ये सच्ची में अच्छा है। ओह, मेरा हो गया। यदि आप केवल यह जान पाते कि यहाँ कितना आरामदायक है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। और बेड पर सोलर सिस्टम के एक मॉडल को लटका देना भी अच्छा होगा। मैं इसे देखूंगी और ब्रह्मांड के बारे में सोचूंगी। और मुझे एक माला भी चाहिए। हाँ, ये अच्छा है, क्योंकि कोई भी अंधेरे में इन छोटे लाइट बल्बों के रूप में सितारों की नकल नहीं कर सकता है। यह छोटे छोटे बल्ब बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। ओह वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। अरे, लाइट ऑन करो जल्दी। मैं अपने बेड के डिजाइन में लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट भी करना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए, मुझे प्यारा गुलाबी पर्दा याद आता है, जिस पर मैं निश्चित रूप से एक माला लटकाऊंगी।
अच्छा ठीक है, चलो देखते वो क्या कर रही है, क्योंकि एक सुंदर शानदार लाइट के साथ झिलमिलाता है। वाह देखो, वाह देखो कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे पास यहाँ क्या है? बिल्कुल, मैं यहाँ क्या जोड़ूंगी? एक आइडिया है मेरे पास, बेड को हल्का कैसे बनाया जाए। इसके लिए मैं होममेड माला का इस्तेमाल करूंगी। इसमें हर लाइट बल्ब एक सॉकर बॉल है। यह कितना अच्छा है, क्या यह फुटबॉल फैन के लिए सही नहीं है? यह माला मेरी आत्मा को गर्म करेगी और मेरे फुटबॉल फील्ड को रोशन करेगी। लड़कियों बस देखो कि यह कितना सुंदर है। यह माला अंधेरे में हमें देखने में मदद करने के लिए बनी हुई है। बस इसे इस तरह से यहाँ अच्छे से लटका देना है और चलो करते हैं। वाह बहुत बढ़िया, वाह। और यहाँ एक पॉइंटर है ताकि हर कोई जान जाए कि कौन कहाँ सो रहा है। लड़कियों हमने बहुत अच्छा काम किया है, ये हम बहुत अच्छे हैं। हाई फाइव। मल्टीडू को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार और ओरिजिनल चुनौतियों को मिस ना करें। कमेंट्स में लिखें कि आज की कौन सी हीरोइंस आपको सबसे ज्यादा पसंद है। हमारे साथ बने रहें, यह अच्छा होगा।